मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी डिस्कस पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. वो थ्योरी देखा था और उसके बेस हमने न्यूमेरिकल्स लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे. ओके, अभी हम उसी फिनोमिनन के बेस हम आज और दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, विच आर इलास्ट्रेशन नंबर 6 एंड एक्सरसाइज नंबर 9. ओके, चलो तो पहले देख लेते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 9. बहुत इजी है ना. तो एक्सरसाइज नंबर 9 में अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर. स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया गया हुआ है, दैट इज के, के दैट इज 1200 न्यूटन पर मीटर. ओके, चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं. हाँ, इज अटैच विथ अ मास ऑफ 3 kg एज शोन इन फिगर. ओके, तो ये जो स्प्रिंग है वो अटैच किया गया हुआ है किसी मास ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसका मास आपको m इज इक्वल टू कितना दिया गया हुआ है, 3 kg. फाइन, और अब क्या किया गया हुआ है कि द मास इज पुल्ड साइडवेज टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 cm एंड रिलीज. इस मास को 2 cm तक खींचा, तो कितना डिस्प्लेस किया, दैट इज x इज इक्वल टू 2 cm. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, उसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, तो 2 cm, तो मीटर में डिवाइड बाय 100, 0.02 मीटर होगा. ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमारे पास 3 questions है. नंबर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. अगर इस स्प्रिंग के साथ इस मास m को आप अगर डिस्प्लेस करके रिलीज करोगे, है ना, तो ये ब्लॉक ऐसे मूव आउट ऑसिलेशन करेगा, तो उसका आपको क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज f फाइंड करना है. ओके, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन उसका इक्वेशन किया था ना, उसमें देखो फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, देखो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन क्या है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम है, रूट के बाय एम है ना. ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले देख लेते हैं कि कितना रहता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम. इक्वेशन है ना अंदर, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है. ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम, तो के का वैल्यू 1200 डिवाइड बाय मास दैट इज 3. ओके, तो 1200 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 400. ओके, और 400 का रूट दैट इज 20, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड 2π/T. ओके, बट हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी एफ. ओके, तो ओमेगा का इक्वेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/F. ओके, सो नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/F. ओके, तो f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय 2π. ओके, चलो ओमेगा का वैल्यू दैट इज 20 डिवाइड बाय 2 × 3.14. अगर इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर हर्ट्ज में आएगा, तो 20/2 दैट इज 10, और 10 डिवाइड बाय 3.14, 10 डिवाइड बाय 3.14 यू विल हैव 3.18. ओके, सो वी कैन से 3.2 दैट इज फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ
ऑसिलेशन। क्लियर। अभी दूसरे जो दो क्वेश्चंस है वो एक्सेलरेशन एंड स्पीड और वेलोसिटी के लिए, तो उसके आगे का थ्योरी हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही किया था। ओके और उसी थ्योरी में सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का जो इक्वेशन था उसी में आप फर्स्ट स्टेप में देखिए न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू गिवन बाय माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर ऑसिलेशंस। तो यहां पे एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है ना। ओके तो एक्सेलरेशन दैट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉल ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। तो माइनस को अगर हम नेग्लिजिबल करते हैं वो डायरेक्शन दिखाता है, तो ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड यही है ना कि जितना डिस्प्लेस करोगे उसी के अकॉर्डिंगली इतना ऑसिलेशन होगा। तो सेंटर से जो डिस्प्लेस हुआ है वही अपना एम्पलीट्यूड रहेगा। ओके तो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का देखो यहां पे वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू 20 है ना, तो 20 स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड तो वो कितना डिस्प्लेस किया गया हुआ है 0.0। ओके तो 20 का स्क्वायर दैट इज 400, और 400 इनटू 0.02 करोगे आप तो यू विल हैव 8 एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ओके और उसके बाद का है डिटरमाइन मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास, मतलब मैक्सिमम स्पीड दैट इज वी मैक्स इज इक्वल टू, ये भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का इक्वेशन देखो आपने लाया था ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दो केस किए थे, पहला सेंटर की पोजीशन पे मिड पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 0 लिया तो वेलोसिटी ए ओमेगा आया था ना। ओके और एंड पॉइंट पे वेलोसिटी 0 था तो मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा। ओके तो वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। ओके तो एक्सेलरेशन सॉरी एम्पलीट्यूड कैपिटल ए तो वो कितना है डिस्प्लेसमेंट 0.02 इनटू ओमेगा का वैल्यू यहां पे तो 20 है। ओके तो 20 इनटू 0.02 सो दैट इज 2 इनटू 0.2 तो यू विल हैव 2 इनटू 0.2 तो दैट इज 0.4 तो स्पीड दैट इज मीटर पर सेकेंड रहेगा। ओके तो दैट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर। सो दिस आर द 3 आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9। तो ये न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स के लिए कंसिडर किया जा सकता है। फाइन। ओके अब हम देखेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 6 दैट इज ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स। डायग्राम गिवन है, 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज अटैच्ड विथ ब्लॉक ऑफ मास एम एज शोन इन फिगर। 2 स्प्रिंग के जिसके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के, उसको अटैच किया गया हुआ है मास एम के साथ। ओके तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि शो दैट व्हेन मास इज डिस्प्लेस्ड विथ आइदर साइड इट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें शो करना है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स।
इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो हमें यहां पे प्रूव करना होगा. तो वो कैसे प्रूव करेंगे हम, पहला क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन तो क्या है, दैट इज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी फाइंड करना है. ओके, तो वो तो हम अकॉर्डिंग टू जो हमारा थियोरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऐसे ही करेंगे सेम, फाइन. बट पहले यहां पे हम अगर किसी मास को डिस्प्लेस करते हैं, ओके, तो डायग्राम से देखिएगा कि अगर मैं इस मास एम को अगर राइट हैंड साइड पे मैं थोड़ा डिस्प्लेस करता हूं एक्स जितना, मैं एक्स जितना कहां पे डिस्प्लेस करता हूं, राइट साइड पे डिस्प्लेस करता हूं, तो ये जो स्प्रिंग है ना, ओके, तो ये जो स्प्रिंग है तो वो ऐसे जाएगा, स्प्रेड होगी ये स्प्रिंग, स्प्रेड होगी ना, ओके. तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा कि ये स्प्रिंग ऐसे जाएगी, स्प्रिंग वन, तो ये स्प्रिंग ऐसे जाएगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड पे लगेगा, ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ वन विल बी ऑन लेफ्ट साइड, ओके. और ये जो स्प्रिंग टू है ना, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, तो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी ऐसे, तो ये इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स वापस ऐसे लगेगा, तो एफ टू विल ऑल्सो विल बी ऑन लेफ्ट साइड. ओके, यही इंपॉर्टेंट है कि इस मास, इस ब्लॉक ऑफ मास एम को मैंने डिस्प्लेस किया हुआ है राइट साइड, तो दोनों स्प्रिंग पे रिस्टोरिंग फोर्स ऑन लेफ्ट साइड आया हुआ है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो कंसीडर कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज डिस्प्लेस्ड on right side of distance x. इस मास m को, ब्लॉक को हमने डिस्प्लेस किया गया हुआ है x जितना, और वो किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ओके. तो इसके ऊपर स्प्रिंग वन पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, F इज इक्वल टू kx, और ये लेफ्ट साइड पे, दैट इज वाई नेगेटिव होगा. ओके, सो दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स ऑन स्प्रिंग वन. तो F1 is equal to minus kx because it is on left side. Okay. And also restoring force on spring 2. तो वो भी F2 is equal to minus kx जितना हुआ, क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे, बराबर है. तो टोटल फोर्स दैट इज नेट रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों का एडिशन होगा, तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, देन वी विल हैव F इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2kx, क्लियर. और इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर वन. ओके, और यहां पे देखो कि ये रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल टू में और अपोजिट भी है, तो यहां पे आपको दिख रहा है ना
f is proportional to root minus of x. This is the condition for simple harmonic motion. तो यहां पे जो शो करना था तो ये शो हो गया कि क्या कि when a mass is displaced with the either side, it executes simple harmonic motion. So, a block executes simple harmonic motion. तो ये यहां पे प्रूव हो गया, क्लियर? ओके. दूसरा हमें क्या करना है? तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज कैपिटल टी का इक्वेशन हमने हमें यहां पे प्रूव करना है. तो वो थियरी में हमने कैसे किया था कि पहले न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू एम और एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स किया था, दैट वाज इक्वेशन नंबर वन. और इक्वेशन टू दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. तो इसको इक्वेशन टू बोला था. तो वो यहां पे अभी इक्वेशन नंबर वन है, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू के एक्स. तो इक्वेशन नंबर वन वो न्यूटन लॉ से बनाएंगे हम और उन दोनों को कंपेयर करके हम टाइम पीरियड कैपिटल टी को यहां पे डिराइव करेंगे. तो इक्वेशन नंबर वन हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, तो अभी न्यूटन लॉ को यूज करेंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, ओके, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए है ना, और एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स. तो एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू. ओके, और हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके पहले हम ओमेगा का इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देखेंगे. ओके, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे. तो कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू. ओके, तो माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू के एक्स. ओके, तो यहां पे एक्स कैंसल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, माइनस भी कैंसल हो जाएगा. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टू के बाय एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, रूट टू के बाय एम आएगा. क्लियर? फाइन. अभी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए जाना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, टू पाई बाय टी. सो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाय टी इज इक्वल टू रूट ऑफ टू के बाय एम. ओके, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये टी साइड पे रहेगा. तो ट्वाइस पे के साथ ये जो मल्टीप्लाई होगा वो उल्टा होगा रूट में, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट एम बाय टू के आएगा. ओके, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो द न्यूमेरिकल फॉर थ्री मार्क एंड एक्सरसाइज नंबर 9 इज ऑल्सो फॉर थ्री मार्क. क्लियर? कर पाओगे ना खुद से? तो इतना काम कंप्लीट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.